इस वक्त मैं जंतर मंतर में मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको पता ही है, जैसे वहाँ पर सारे पहलवान बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और आज शाम 4 बजे ब्रिजभूषण शरण सिंह को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की। लेकिन एक बात ज़रा अब मैं आपको बता दूँ, ब्रिजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो इस वक्त सामने आया है, और बस आप बस देखिएगा उस वीडियो को कि किस तरह से इस अमृत काल में आप ये कह सकते हैं कि एक चुना हुआ MP जो कि सत्ताधारी दल से बिलोंग करता है, BJP का है, वो खुलेआम ये बात स्वीकार रहा है कैमरे पर कि हाँ मैंने एक हत्या की है, और वो हत्या कैसे की है वो भी बड़े आराम से आप सब लोगों के सामने बता रहा है। तो जरा सुनिए ये क्या बोलते हुए पाए गए। जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है, लोग जो कुछ भी कहे मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। इतना ही नहीं, एक और वीडियो सामने आया है जिसमें ये बात साबित होती है कि आखिर किस तरह का बर्ताव इनका पहलवानों के साथ रहता है। मंच पर है जहां पर एक युवा रेसलर को जिस तरह से थप्पड़ मारते हुए सब लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं। पुराना वीडियो है लेकिन ये बताता है कि आखिर इनका बर्ताव और इनका जो अपने खुद को लेकर जो एक एरोगेंस है वो कैसी है, वो आप साफ देख सकते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह से जब आज पत्रकारों ने पूछा कि आखिर क्या वो अपने पद से इस्तीफा देंगे, तो उसके जवाब में उन्होंने सीधा सीधा क्या कहा कि अगर मैंने मुंह खोल दिया ना तो सुनामी आ जाएगी, और मैं यहाँ कोई चैरिटी के लिए नहीं आया हूँ, मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। हम खोल दे सुनामी आ जाए। किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। तो देखिए अभी भी वो शख्स अड़ा हुआ है इस बात पर कि नहीं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, कहाँ गए वो, क्यों नहीं की, 4 बजे का समय था, सब लोग इंतजार कर रहे थे, हम भी इंतजार कर रहे थे कि वो कुछ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे, कुछ आरोप लगाएंगे, उसके बाद शायद यहाँ पर पहलवानों से हम बात कर पाएंगे, लेकिन कुछ भी अभी तक तो सामने नहीं आया है। यही जंतर मंतर पर बैठकर एक रेसलर अंशु मलिक ने आपने सुना ही था कि आरोप ये लगाया था कि होटल रूम में जहाँ सारे खिलाड़ी जो कि महिलाएं थीं वो रहती थीं, जहां पर वो ठहरती थीं उसके ठीक सामने ब्रिजभूषण शरण सिंह का अपना कमरा होता था। खिलाड़ियों ने बताया है कि वो रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे जबकि उनके सामने महिला खिलाड़ियां रहती थी। महिला खिलाड़ियां उन्हें बताया कि वो अपने रूम में से सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही निकल पाती थी, और अगर वो मतलब उस रूम में वो रह मतलब आप कंपटीशन में गए हुए हो और वहाँ पे खिलाड़ी कंफर्टेबल नहीं है रूम में ही, तो अब कैसे आप कंपटीशन लड़ोगे या खुद को कंफर्टेबल करोगे वहाँ पे। और वहाँ पर वो जब वो बात बता रही थी मीडिया को, उस वक्त बजरंग पुनिया ने उनको टोक कर ये बात बोली कि ये बात बताओ कि रूल ये कहता है कि जिस भी होटल में महिला खिलाड़ी रुकती हैं वहाँ पर ये इस तरह से WFI प्रेसिडेंट या कोई भी जो कि संगठन से जुड़ा हुआ है वो नहीं रह सकता है, लेकिन वो वहाँ पर रहते थे और अपना कमरा उसका दरवाज़ा हमेशा खुला छोड़ते थे। तो वो कह रही हैं, ये पूछ रही हैं सवाल कि एक बात बताइए, कोई भी अगर पहलवान है, कोई भी अगर खिलाड़ी है, वो जाकर कॉम्पिटिशन में अपना बेस्ट देगा या फिर पहले कंफर्टेबल होने की कोशिश करेगा? और ये रूल है कि कोई भी किसी भी फेडरेशन का प्रेसिडेंट जिस होटल में खिलाड़ी रह रहे हैं उस होटल में नहीं रुक सकता। वहीं इस पूरे माहौल में हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रोहतास नांदल ने कहा कि धरना दे रहे पहलवानों की उम्र ढलने लगी है, ये नए पहलवानों से हारने लगे हैं और इसलिए ये कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर दबाव बनाना चाहते हैं। तो अब आप ये सोच लीजिए कि किस तरह से शुरू हो गया है कि एक आंदोलन है, और सबसे पहले किसी भी आंदोलन में शुरुआत हो जाती है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर जितनी भी छीछाले दर कर सकते हैं, उनका जितना भी आप कुछ भी चरित्र हनन करने की कोशिश कर सकें या फिर उनको तरह तरह के नामों से पुकारने की कोशिश कर सकें वो करने हैं। और देखिए अब उनकी उम्र ढलने लगी है, वो हारने लगे, इस तरह की बयानबाजी अब आपको देखने को मिल रही है। तो ये पूरा का पूरा हम ये देख रहे हैं कि सत्ताधारी दल के एक नेता को, एक सांसद को बचाने की कोशिश में हर वो पावरफुल आदमी इस वक्त खड़ा नजर आ रहा है जिनके खिलाफ यहाँ हमारे देश का गौरव सड़क पर बैठा हुआ है। आज मेरे पास एक महिला खिलाड़ी का फोन आया है, मैं ना तो स्टेट का वो करूंगी, लेकिन वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो उस स्टेट की नहीं है। वो मैं 30 मिनट की ऑडियो है मेरे पास में, उसका कितना हरासमेंट हुआ है, कितना मेंटली टॉर्चर हुआ है,
6-7 लड़कों ने बोला है कि हम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, हमने रेसलिंग को छोड़ दिया है। ये रेसलिंग फेडरेशन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर है, उन्होंने बकायदा रेसलिंग फेडरेशन को पूरा लेटर लिखा है, बहुत बार उन्होंने कॉपियां भेजी हैं कि सर इस पे कार्रवाई की जाए, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली हरास हो रहे हैं, फिजिकली असोल्ट हो रहे हैं हम, लेकिन रेसलिंग फेडरेशन से कभी जवाब भी नहीं आया है। और वो बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं बोलूंगी तो शायद अध्यक्ष जी भी समझ जाएंगे और शायद उस चीज को दबाने की कोशिश करेंगे, मैं हर चीज ओपन नहीं बोलना चाहूंगी। अध्यक्ष जी पे होगा, अध्यक्ष जी तो बोल रहे थे ना किसी ने कभी शिकायत नहीं की हमारे साथ कुछ हुआ है, वो शिकायत हुई है, वो प्रूफ है हमारे पास, वो लड़कियां आज हमें प्रूफ दे रही हैं फोन करके। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं ले सकती जो कि लड़कियों की लाइफ डेंजर में है, और वो बहुत बड़ा मुद्दा है, वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो उस स्टेट की नहीं है, वो उस स्टेट से आती है जहाँ पे रेसलिंग लोग ही बहुत कम करती है। कैमरा पर्सन अरविंद चौरसिया के साथ साक्षी जोशी, जंतर मंतर से, देखते रहिए सत्यमेव जयते।